खरगोन जिले के महेश्वर में 3 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय केनो सलालम स्पर्धा का समापन रविवार को किया गया। इस दौरान प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। इस स्पर्धा में 12 प्रदेशों के करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस दौरान खिलाड़ियों ने नर्मदा नदी स्थित सहस्त्र धारा की तेज धारा के बीच अपने खेल का जौहर दिखाकर अपने प्रदेश के लिए मेडल प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। वहीं इस स्पर्धा में चयनित खिलाड़ियों का भारतीय केनो सलालम टीम के लिए भी चयन किया जाएगा, जो मार्च 2020 में थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के लिए खेलेंगे। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।